नारायण पालनहार हैं तो शिव को संहारक माना जाता है। दोनों ही सृष्टि के आधार हैं। कई लोग शिव जी और भगवान विष्णु को अलग अलग मानते हैं। भगवान शिव को मानने वालों ने अपना अलग पंथ शैव बना लिया तो भगवान विष्णु को मानने वालों ने वैष्णव पंथ। परंतु शिव जी और विष्णु जी अलग होकर भी एक हैं। दोनों एक दूजे के उपासक हैं। जहाँ भगवान विष्णु सदैव भगवान शिव के ध्यान में रहते हैं तो वहीं भगवान शिव सदैव भगवान विष्णु के विष्णु पुराण में भगवान विष्णु को शिव कहा गया है तो शिव पुराण में भगवान शिव के सहस्त्र नामों में एक नाम विष्णु भी है। भगवान शिव विष्णु की लीलाओं से मुक्त रहते हैं और हनुमान जी के रूप में उनकी आराधना करते हैं। भगवान विष्णु अपने हर अवतार में शिव भक्त के रूप में जन्म लेकर शिवलिंग की पूजा व स्थापनाएं करते हैं। भगवान शिव और भगवान विष्णु ने अपनी एक रूपता दर्शाने के लिए ही हरि हर रूप धरा था, जिसमें आधा शरीर विष्णु यानी हरि व आधा शरीर शिव यानी हर का था। भगवान शिव और भगवान विष्णु में कोई अंतर नहीं। इस विषय पर शिव पुराण में एक कथा मिलती है जो इस प्रकार है। एक बार भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में निद्रा में थे, तभी वे एक स्वप्न देखते हैं कि करोड़ों चंद्रमाओं के उजाले से युक्त त्रिशूल डमरू लिए आनीमादी सिद्धियों के द्वारा सुशोभित त्रिलोचन भगवान शिव प्रेम तथा आनंद से उन्मत्त होकर भगवान विष्णु के सामने नृत्य कर रहे हैं। भगवान शिव को इस तरह नृत्य में खोया देख भगवान नारायण एकदम से उठकर अपनी शैया पर बैठ जाते हैं और ध्यान मग्न हो जाते हैं। माता लक्ष्मी उन्हें ऐसा देखकर इसका कारण पूछती हैं, पर भगवान श्रीहरि कुछ नहीं बोलते। कुछ समय बाद ध्यान से बाहर आकर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, मैंने अभी स्वप्न में भगवान शिव के मनोहर रूप के दर्शन किए। इससे यह प्रतीत होता है कि महादेव मुझे याद कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को कैलाश जाकर भगवान शिव के दर्शन करने चाहिए। इतना कहकर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ कैलाश को चल दिए। वे कुछ ही दूर पहुँचे थे कि उन्हें सामने से आते भगवान शिव और माता पार्वती दिखाई दिए। दोनों के मिलने भर से ही प्रेम के आनंद का सागर उमड़ गया था। दोनों एक दूसरे को देखते ही एक दूसरे के गले से लिपट गए। भगवान विष्णु ने यहाँ आने का कारण पूछा तो जो बात पता चली वो आश्चर्यजनक थी। भगवान शिव ने बताया कि उन्हें एक स्वप्न आया था जिसमें भगवान विष्णु ठीक उसी तरह नृत्य कर रहे थे जैसा स्वप्न भगवान विष्णु ने देखा था। आपको स्वप्न में देख मुझे प्रतीत हुआ कि नारायण ने मुझे याद किया है, इसलिए मैं देवी पार्वती के साथ वैकुंठ की ओर आ गया। इसके बाद दोनों एक दूसरे से उनके निवास स्थान चलने को कहते हैं। दोनों एक दूसरे से अलौकिक प्रेम करते थे, इसलिए दोनों में निर्णय नहीं कर पा रहे थे। दोनों का यह प्रेम देख नारद मुनि सराहना गया और वे वहां पहुंच गए। दोनों ने नारद जी से कहा, नारद मुनि आप ही निर्णय करें। अब नारद जी ठहरे दोनों के भक्त, वे फैसला कैसे करते। नारद जी दोनों की प्रशंसा करते हुए मंत्रमुग्ध हो गए। तब भी भगवान शिव और भगवान विष्णु ने माता पार्वती से कहा, अब आप ही निर्णय करें। माता पार्वती दोनों की बात सुन कुछ देर शांत रहती हैं। उसके बाद वे कहती हैं, हे नाथ और हे केशव, आप दोनों के इस प्रेम को देखकर पता चलता है कि आप दोनों के शरीर अलग हैं पर आत्मा एक है। रहने का स्थान वैकुंठ और कैलाश भी एक ही हैं, बस नाम अलग अलग हैं। यहाँ तक आपकी पत्नियाँ भी एक ही हैं, मैं ही पार्वती हूँ और लक्ष्मी भी, और जो देवी लक्ष्मी हैं वो ही मैं हूँ। आप में एक की पूजा करने वाला दूसरे की भी पूजा करता है, और आप में से एक को किसी ने अपूज्य मान लिया तो दूसरा भी अपूज्य हो जाता है, और जिसने भगवान विष्णु और महादेव में अंतर मान लिया वह व्यक्ति पतन की ओर बढ़ता है और उसका पतन तय हो जाता है। इसलिए आप दोनों अपने अपने निवास स्थान की ओर प्रस्थान करें। बस महादेव ये मान लें कि कैलाश ही वैकुंठ है और भगवान विष्णु ये मान लें कि वैकुंठ ही कैलाश है। माता पार्वती की ये बात सुन दोनों खुश होकर अपने अपने निवास स्थान चले जाते हैं। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि भगवान शिव और भगवान विष्णु अलग अलग नहीं अपितु एक ही हैं।